हेलो एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, आज गुरु नीति फॉर आईटी जेई के एपिसोड 7 में हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के कुछ और क्वेश्चंस पे। मैं चंद्र प्रकाश और मेरे साथ हैं माइक सर रिंकेश कुमार गुप्ता। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आ जाओ देखो पहला क्वेश्चन क्या है। y इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। इसका मिनिमम वैल्यू अपने को बताना है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि इसके स्क्वायर को अपन ओपन कर लेते हैं, तो उससे मुझे देखिए y का वैल्यू क्या क्या मिलेगा। देखिएगा यहाँ बनेगा साइन स्क्वायर थीटा है ना, इसमें आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, वो मिला के हो गया बच्चों 1, ठीक। प्लस इसमें आएगा 2 साइन थीटा कोसेक थीटा, तो कैंसिल आउट हो गया 2 बचा। सिमिलरली इसमें 2 कॉस थीटा सेक थीटा, वो भी कैंसिल आउट हो गया 2 बच गया, दोनों मिला के हो गए 4। उसके अलावा अपने पास बच गया कोसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा, ये टर्म हो गई। तो इसकी रेंज निकालनी है एक तरह से मुझे, तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग। ये तो मिला के भी 5 हो गए। इस टर्म को कॉसेक स्क्वायर थीटा को अपन ऐसा लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, और इसको लिख लेते हैं टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो अब ये सारा मिला के हो गया 7 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और ये वही बात कि ये दोनों नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है और पॉजिटिव भी है। तो किसी भी पॉजिटिव नंबर और उसके रेसिप्रोकल की जो वैल्यू होती है वो हमेशा मिनिमम से मिनिमम कितनी होती है 2। ये 2 या 2 से ज्यादा होगी, उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी 2। तो जब इसका मिनिमम आएगा तो टोटल का मिनिमम आ जाएगा, और वो कितना होगा दैट इज 9। तो ये वैल्यू हमेशा 9 से बड़ी होगी या 9 होगी, सो थर्ड विल बी द राइट आंसर। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। If alpha plus beta equal to pi by 2 and beta plus gamma is alpha, then आपको tan alpha is always equal to, तो मतलब tan alpha की value को find करना है, और options given है in terms of beta and gamma। हुआ तो देखते हैं कैसे करना है। tan alpha की value के लिए काम करते हैं अपन, जो beta plus gamma जो alpha है इसका both side क्या लेते हैं tan, तो जब इसका both side tan लोगे तो क्या आ गया बेटा tan alpha equal to, ये आ गया tan beta plus gamma, this is tan beta plus tan gamma tan gamma upon 1 minus tan beta into tan gamma। तो देखो उसके अकॉर्डिंग तो इसका आंसर ही आया, बट ऐसा कुछ ऑप्शन है नहीं अपने पास, तो थोड़ा इसको क्या करते हैं सिंपलीफाई। तो देखें जरा, अल्फा प्लस बीटा पाई बाई 2 है, तो इससे लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस बीटा, और इसका भी आप अगेन लो बोथ साइड tan, तो क्या आ गया ब्रो tan alpha equal to tan pi by 2 minus beta is cot theta। अब देखें जरा इसका मीनिंग क्या है, कि इससे tan beta की वैल्यू पुट कर सकते हो 1 by tan alpha। तो देखो इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आने वाला है, tan alpha को 1 से करोगे तो tan alpha आ गया, माइनस देखो इसमें मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा tan alpha tan beta tan gamma, और 1 by cot beta को लिख सकते हो 1 by tan beta, तो ये आ गया tan alpha into tan beta की वैल्यू 1 हो गई। तो मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा आपको tan alpha tan beta tan gamma, तो tan alpha tan beta को 1 पुट करोगे तो ओनली आ गया tan gamma equal to अगेन tan beta plus tan gamma। तो आपको tan alpha के लिए क्या करना, minus tan gamma को राइट में शिफ्ट करो, तो इससे मिल गया tan alpha equal to tan beta plus tan beta plus 2 tan gamma tan gamma। तो इसके अकॉर्डिंग इसका थर्ड आंसर करेक्ट ऑप्शन थर्ड आ जाएगा। हाँ जी ठीक है, चलो उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। ओके, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 1 माइनस 4 sin 10 डिग्री sin 70 डिग्री और 2 sin 10 डिग्री। तो आइए देखिए इसको कैसे करें, बहुत से तरीके हो सकते हैं, हम शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ये जो रिलेशन है ना, यहाँ देखिए ये 10 है और ये 70 है, इससे एक फार्मूला मुझे याद आता है, और वो कुछ इस तरह से होता है कि साइन थीटा साइन 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 60 डिग्री प्लस थीटा। इसका वैल्यू होता है बच्चों साइन 3 थीटा बाई 4। तो ये हमें लगता है कि इसको हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, राइट। देखो थीटा का वैल्यू अगर मैं 10 ले लूं तो मुझे मिलेगा साइन 10 डिग्री साइन 50 डिग्री, और ये हो गया साइन 70 डिग्री, और सामने हो गया साइन
30 डिग्री बाई 4 को भी इधर ले आओ क्योंकि यहाँ 4 भी दिखाई दे रहा है। ओके तो ये टर्म तो है मेरे पास, ये टर्म मैनेज करनी है तो इसको ऊपर नीचे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ साइन 50 से, तो ये ऐसे दिखाई देगा साइन 50 डिग्री माइनस 4 साइन 10 डिग्री साइन 50 डिग्री और साइन 70 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 टाइम साइन 10 और साइन 50 डिग्री। और अब इस फॉर्मूले को अपन यहाँ पे यूज कर लेते हैं, तो यूज करते ये ऐसा हो जाएगा कुछ साइन 50 माइनस साइन 30 डिवाइडेड बाय 2 साइन 10 और साइन 50। और अब साफ साफ नजर आएगा कि ऊपर दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का डिफरेंस है, नीचे प्रोडक्ट है, तो हम ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले लगा लेते हैं यानी कि साइन सी माइनस साइन डी, तो वो बन जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 40, तो ये 40 डिग्री बन जाएगा और साइन सी माइनस डी बाई 2 तो वो 10 डिग्री बन जाएगा। नीचे आ गया देखो 2 साइन 10 डिग्री साइन 50 डिग्री। अब बारी कैंसिल आउट करने की, साइन 10 से साइन 10 और 2 से 2 कैंसिल हो गया। और देखो कॉस 40 और साइन 50 और 40 जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो आप चाहे तो इसको 90 माइनस 50 लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा साइन 50 डिग्री, यानी कि ये टर्म भी इससे कैंसिल आउट हो जाएगी किससे, तो कुछ नहीं मिला आपको 1 के सिवा, सो द राइट आंसर विल बी 1। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, कई बार काम आ सकता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 4 देखें। इफ इन ए एक्यूट एंगल ट्राइंगल एबीसी, मतलब जो ट्राइंगल की एंगल है वो क्या है पाई बाई 2 से लेस है, tan a into tan b equal to given है tan a plus tan b, then the range of value of tan c, तो आपको tan c की रेंज को फाइंड आउट करना है। देखो कैसे करते हैं, abc आपके ट्रायंगल के एंगल है तो आप लेट कर सकते हो a plus b plus c, b plus c equal to pi, आपको tan c की रेंज को चेक करना है। तो एक काम करो, पहले इससे tan c की वैल्यू के लिए c को राइट में शिफ्ट करते हैं आप, तो a plus b equal to आ गया बेटा pi minus c। अब लिखो टेकिंग बोथ साइड 10, तो जब बोथ साइड 10 लोगे तो क्या आ गया बोलो, ये तो आ गया 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b और राइट में आ गया 10 पाई माइनस सी माइनस के 10c। अब आपको 10c की रेंज को फाइंड आउट करना है, देखो क्या करना चाहिए इसके लिए, इसमें टू एंगल है 10a 10b, तो इसको पहले सिंगल एंगल में कन्वर्ट करो आप, तो जो आपको रिलेशन गिवन है 10a 10b इक्वल टू 10a प्लस 10b, इसको इससे अपन 10b की वैल्यू को पुट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ 10a। तो देखो 10b की वैल्यू के लिए 10 इस राइट साइड में 10b को लेफ्ट में जब ट्रांसफर करोगे तो 10b कॉमन और ब्रैकेट में आ गया 10a माइनस 1 इक्वल टू 10a, तो उससे 10b मिल गया आपको 10a अपॉन 10a माइनस 1, इस वैल्यू को पुट करो आप इन दोनों की तरफ, तो देखो क्या मिल जाएगा इससे, इसको इधर यूज कर लूं तो दिस आ गया 10a प्लस 10b की वैल्यू 10a अपॉन 10a माइनस 10a माइनस 1 और अपॉन में आ गया 1 माइनस, जब आप 10a को 10b की वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूमेरेटर में तो आ गया 10 स्क्वायर है इसके में, तो दिस इज 10 स्क्वायर a अपॉन अगेन डिनोमिनेटर सेम। अब आप इसका क्या करो, एलसीएम, ये माइनस 10 सी की वैल्यू ध्यान रखना होगा इक्वल टू माइनस 10 ऑफ सी, तो देखें इस 10 ए माइनस 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ गया 10 स्क्वायर a माइनस 10 ए प्लस 10, तो 10 ए से माइनस 10 ए कैंसिल और इसका एलसीएम आ गया 10 ए माइनस 1। सिमिलरली डिनोमिनेटर की बात करोगे आप तो अगेन 10 ए माइनस 1 से मल्टीप्लाई, तो आ गया 10 ए माइनस 1 माइनस 10 स्क्वायर a और डिनोमिनेटर में आ गया 10a माइनस 1, तो ये इससे क्या होगा कैंसिल, दोनों का एलसीएम क्या होगा कैंसिल आउट, तो फाइनली ये आ गया माइनस 10c इक्वल टू न्यूमिनेटर में तो ओनली आ गया 10 स्क्वायर a और डिनोमिनेटर में आ गया ये 10a माइनस 1 माइनस k 10 स्क्वायर a। अब इसके बाद देखो क्या करना है, आपको 10c की रेंज चाहिए तो थोड़ी देर के लिए 10c को अपन वायलेट कर लेते हैं, क्योंकि 10c को वायलेट करोगे या सॉरी 10a को वायलेट कर दो, 10a को वायलेट करोगे तो इट इज बिकम क्वार्टिक इन y और 10a आपका रियल है, तो इसका मीनिंग अपन इसका क्या कर सकते हैं d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो चलो एक बार ट्राई करते हैं इसको,
ये आ गया माइनस टेन सी इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन, क्या किया मैंने, लेट आपने टेन को बेटा वाई लेट किया है, तो माइनस टेन सी इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन वाई माइनस वन माइनस के वाई स्क्वायर, और इसको कर दो इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ गया वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई इंटू टेन सी, माइनस माइनस प्लस तो प्लस ऑफ टेन सी, और अगेन माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर इंटू टेन सी, सबको लेफ्ट में कन्वर्ट करें, तो जब इसको लेफ्ट में लेके आओगे तो देखो फर्स्ट और इसमें वाई स्क्वायर कॉमन, तो ये आ गया टेन सी माइनस वन इंटू वाई स्क्वायर, और इतना लिखने के बाद रिमेनिंग पार्ट होगी प्लस वाई इंटू टेन सी माइनस टेन सी इक्वल टू जीरो, नहीं यहाँ माइनस आ गया, यहाँ प्लस आ गया, सॉरी इसको उसको इधर लेके आए, हाँ सॉरी सॉरी, ये माइनस और ये प्लस हो जाए, हाँ इसको उधर शिफ्ट किया अपन ने। अब इसके बाद देखो आपने वाई लेट किया था टेन ए को, तो टेन ए आपका रियल है, रियल होना चाहिए, तो एक कंडीशन तो यूज कर सकते हैं अपन डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और एक कंडीशन को और यूज करना है इसमें, वाई रियल है बट वाई आपका इसमें पॉजिटिव होगा क्योंकि एंगल आपकी एक्यूट एंगल है जीरो से पाई बाई टू, तो एक सेकंड कंडीशन और याद रखोगे कि वाई आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, तो देखो इसमें टू कंडीशन यूज करोगे क्वाड्रेटिक के अकॉर्डिंग, तो देखें तो फर्स्ट कंडीशन तो यूज कर सकते हैं अपन डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो डी ग्रेटर देन जीरो करने पे क्या जाएगा बी स्क्वायर माइनस फोर सी, तो वाई स्क्वायर सॉरी टेन स्क्वायर सी माइनस फोर टेन सी इंटू टेन सी माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो क्या बनी टेन सी में क्वाड्रेटिक, तो वन टेन सी तो कॉमन आ गया इसमें, तो जब इसमें टेन सी कॉमन लोगे तो दिस पार्ट आ गया टेन सी माइनस, देखो माइनस के फोर टेन सी और माइनस माइनस प्लस फोर ग्रेटर देन जीरो, और देखो टेन सी माइनस फोर टेन सी माइनस के थ्री टेन सी प्लस फोर, तो एक माइनस कॉमन लेके उसको राइट में आप शिफ्ट कर सकते हो, तो रिमेनिंग पार्ट आ गया इससे टेन सी ब्रैकेट में थ्री टेन सी माइनस फोर लेस देन जीरो, तो देखो थोड़ा एक सेकंड के लिए टेन सी आपका जीरो पे जीरो होगा और ये टेन सी आपका फोर बाई थ्री पे जीरो होगा, और आपको लेस देन जीरो का मीनिंग नेगेटिव पार्ट लेना है, तो इसका मतलब दोनों के रूट के बिटवीन का पार्ट आ जाएगा आपका, या फिर नंबर लाइन से देख सकते हो ये जीरो पे जीरो है ये फोर बाई थ्री पे, तो प्लस माइनस प्लस, तो कौन सा पार्ट लेना है आपको नेगेटिव पार्ट, तो इसके अकॉर्डिंग आ गया आपके पास टेन सी बिलोंग्स टू जीरो से फोर बाई थ्री, अब देखो इक्वल टू है तो फोर बाई थ्री पे तो अपन क्लोज यूज कर लेते हैं, बट अगर आपने टेन सी पे क्लोज यूज किया तो टेन सी को जीरो लोगे तो सी कितना जाएगा जीरो डिग्री, बट एंगल क्या जीरो और पाई हो सकता है क्या, नो, तो एक बार इस पे लगाओ अपन इक्वेशन नंबर, तो आंसर ये नहीं होगा इसमें कि टेन सी की वैल्यू जीरो से फोर बाई थ्री, इसमें एक कंडीशन और यूज करोगे कि टेन ए आपका रियल है बट पॉजिटिव है, तो इसका मीनिंग इस क्वाड्रेटिक की जो आउटपुट है वो आपका क्या आना चाहिए पॉजिटिव आना चाहिए, तो एक कंडीशन और लिखनी है अपन को, तो वो देखो क्या कंडीशन होगी इसमें, अब इसमें एक प्रॉब्लम हो रहा है, देखो आप वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है टेन सी माइनस वन, इसको अगर आप पॉजिटिव लोगे तो डायग्राम बनेगा बट पैराबोला, वाई आपका जीरो से ग्रेटर होगा तो डायग्राम फिर ऐसे ड्रॉ कर सकते हो आप, तो इस केस में वर्टेक्स क्या होगा माइनस के बी अपॉन टू ए आपका जीरो से ग्रेटर होगा, और अगर आप इस डायग्राम टेन सी माइनस वन को अगर नेगेटिव लेट करते हो फिर डायग्राम क्या होगा डाउनवर्ड, बट जो वर्टेक्स का एक्सपोनेंट है वो अभी भी क्या होगा जीरो से ग्रेटर होगा, तो सेकेंड कंडीशन के लिए क्या करते हैं देखो, माइनस के बी अपॉन टू ए ग्रेटर देन जीरो, तो देखो वाई का कोएफिशिएंट माइनस टेन सी, तो माइनस माइनस तो हो गया प्लस, तो दिस आ गया टेन सी अपॉन टू, तो कॉन्स्टेंट है जीरो में शिफ्ट कर दो और रिमेनिंग आ गया अपॉन में ए की वैल्यू टेन सी माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, तो देखो ये जीरो पे जीरो होगा ये वन पे और आपको लेना पॉजिटिव पार्ट,
ये जीरो, ये वन, तो प्लस माइनस प्लस, तो एक्स के अकॉर्डिंग दो वैल्यू होंगी। बट आप इसका डायग्राम अगर अपवर्ड पैराबोला लोगे आप, तो टेन सी क्या होगा, वन से ग्रेटर, और जब टेन सी को वन से ग्रेटर लोगे तो ओनली आपको दिस पार्ट को क्या करना है, इंक्लूड करना है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या गया कि जो सेकेंड इनइक्विटी है इसके अकॉर्डिंग जो टेन सी है वो वन से क्या होना चाहिए, आपका ग्रेटर होना चाहिए। तो सेकेंड कंडीशन लिखोगे टेन सी ग्रेटर देन वन, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अगर आप बोलोगे नहीं सर हम तो इसको डाउनवर्ड पैराबोला लेके काम करेंगे, तो देखो बेटा डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करने पे तो दिस पार्ट आने वाला है, बट अगर आपने इसको जीरो लेस किया तो वैल्यू क्या होगी, वन से लेस, तो उसको क्या नहीं करना, अपन को इंक्लूड नहीं करना है। तो इसके अकॉर्डिंग आ गया टेन सी वन से ग्रेटर, तो टेन सी वन से ग्रेटर आना चाहिए और टेन सी आना चाहिए जीरो से फोर बाई थ्री। तो जब इन दोनों का कॉमन लोगे फर्स्ट और सेकेंड का, तो इनका कॉमन पार्ट मिल जाएगा आपको वन से फोर बाई थ्री, फोर बाई थ्री पे क्लोज लगाना है और वन पे ओपन ब्रैकेट आपको यूज करना है। तो इसके अकॉर्डिंग इसकी जो रेंज है वो होगी आपकी वन से फोर बाई थ्री। देखो इसमें सेकेंड ऑप्शन पे वन पे क्लोज है, अगर आपने टेन सी को वन ले लिया तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। और या फिर ऐसे भी देख सकते हो कि टेन सी को वन लोगे ना तो इसमें पुट करने पे ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा इसमें। जैसे ए अगर सी आपका पाई बाई फोर हुआ तो टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी इक्वल टू पाई में टेन सी की सी की वैल्यू को पाई बाई फोर लोगे ना तो ये इक्वेशन कुछ डिफरेंट आने वाली उससे। हाँ तो वन को भी इंक्लूड नहीं करना इसमें। तो इस टाइप से इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा फर्स्ट। और कुछ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके लेट एवन इज इक्वल्स टू, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन एक बार पहले जेई एडवांस में भी आ चुका है ना क्वेश्चन है शायद। हाँ तो आइए देखिए कैसे सॉल्व करें उसको। अब यहाँ पाई बाई एट आपको दिखाई दे रहा होगा जगह जगह। देखो पाई बाई एट का जो वैल्यू होता है ना बच्चों, वो होता है जीरो से पाई बाई फोर के बीच। तो अगर मैं टेन पाई बाई एट की बात करूँ तो इसकी वैल्यू आएगी जीरो से वन के बीच में, और कॉट जो होता है वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है जीरो से पाई बाई टू में। तो अगर इस पर कॉट अप्लाई करें तो ये तो हो जाएगा कॉट जीरो इनफाइनाइट कॉट पाई बाई एट, और ये कॉट पाई बाई फोर वन, यानी कि कॉट पाई बाई फोर बड़ा आएगा, कॉट पाई बाई एट बड़ा आएगा वन से। ओके तो ये ध्यान रखना अपने को कि दोनों पॉजिटिव है, एक वन से छोटा है एक वन से बड़ा है। अब देखो इनको कंपेयर करना है, तो सबसे पहले हम उनको कंपेयर करते हैं जिनकी बेस सेम है और पावर अलग अलग, जैसे कि ए वन और ए थ्री, ए वन और ए टू, सॉरी ए वन और ए टू को कंपेयर करता हूँ। तो ए वन और ए टू में आप देखो बेस जो है दोनों का वो क्या है, टेन पाई बाई एट, और टेन पाई बाई एट है वन से छोटा, तो इन दोनों में बेस क्या है, लेस देन वन है, याद रखना इनका बेस लेस देन वन है। जब बेस वन से छोटा हो ना बच्चों तो पावर बढ़ाने से वैल्यू डिक्रीज होती है। तो पावर किसकी बड़ी है इनमें से, इसकी पावर बड़ी है राइट, तो इसका मतलब ये टोटल वैल्यू इससे छोटी हो जाएगी, यानी ए वन पक्का बड़ा होगा ए टू से। तो एक तो ये कंफर्म हुआ, ठीक है। ऐसे ही अब एक बार ए थ्री ए फोर को कंपेयर कर लेते हैं। ए थ्री और ए फोर इनका भी बेस सेम है, लेकिन इस बार बेस क्या है, वन से बड़ा है। तो जब बेस वन से बड़ा हो तो क्या होता है कि अगर आप पावर बढ़ाते हो तो वैल्यू भी बढ़ती है राइट। तो अब यहाँ पे बड़ी पावर किसके पास है भाई, इसके पास है, तो इसका मतलब ये बड़ा होगा इससे, तो ए थ्री बड़ा होगा ए फोर से। तो दो वैल्यू तो या दो कंडीशन तो ये आ गई हमारे पास। अब हम उनको कंपेयर कर लेते हैं जिनकी बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम हो। तो जैसे कि उसकी वैल्यू बड़ी होगी, क्योंकि अगर पावर सेम है तो बड़ी बेस पे बड़ी वैल्यू मिलेगी। तो बेस किसका बड़ा है भाई, ए फोर का, तो ए फोर जो है वो बड़ा है ए वन से। ये तीन इनइक्वालिटी मेरे पास आ गई है और आई थिंक इससे काम चल जाएगा। देखें अगर आप ध्यान से देखें तो ए फोर जो है, सॉरी यहां से शुरू करते हैं, ए टू से बड़ा है ए वन, ए वन से बड़ा है ए फोर, और ए फोर से बड़ा है ए थ्री। तो सबसे बड़ा तो है ए थ्री, सबसे छोटा है ए टू, और अब ये ऑर्डर देख लो आपको कहीं मिल रहा होगा थर्ड ऑप्शन। तो ए टू ए वन ए फोर ए थ्री, बिल्कुल ये थर्ड ऑप्शन जो है अपना ये सही हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था कि दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कंपेयर कैसे करें, हम जब बेस सेम हो तो कैसे करें और जब बेस डिफरेंट हो पावर सेम हो तो कैसे करें। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
the number of ordered pair x comma y of real number satisfying 4x square minus 4x plus 2 equal to sin square y. आपको एक x और y में रिलेशन गिवन है 4x square minus 4x plus 2 equal to sin square y. एंड ये आपको एक सर्किल की इक्वेशन है जिसका इंटीरियर पोर्शन और सर्कमफेरेंस वाला पार्ट लेट करना है. x square plus y square less than equal to 3. क्वेश्चन में बोला गया है कि x और y के ऑर्डर्ड पेयर को फाइंड आउट करना है जो सेटिस्फाई दिस एंड दिस इक्वेशन बोथ साइमल्टेनियसली. तो चलो अपन देखते हैं x और y की वैल्यू क्या हो सकती है. इसका तो सिंपल डायग्राम है कि सेंटर 0 0 है, रेडियस आपकी रूट 3 है. ठीक है, तो सिंपल सी बात क्या है कि जो इसमें x और y की वैल्यू है वो आप रूट 3 से ग्रेटर रूट 3 से माइनस रूट 3 के बिटवीन ही ले सकते हो. क्योंकि उससे बाहर लोगे तो उस सर्कल से बाहर आ जाएगा पॉइंट, क्योंकि इसकी रेडियस का माइनस प्लस के रूट 3. तो देखे जरा, अब इस ये तो एलजेब्रिक पार्ट है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट है. तो जब किसी इक्वेशन में दो डिफरेंट पार्ट हो, दो डिफरेंट वेरिएबल हो और उसको क्या करना है सॉल्व, तो बेटर ऑप्शन क्या है उसकी एक्सट्रीम वैल्यू को यूज करने की ट्राई करें आप. तो देखे जरा, ये जो 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 है इसको पहले आप क्या करो होल स्क्वायर में कन्वर्ट. तो किसका होल स्क्वायर बन गया बोलो, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर. सिंपल सी बात है, आपको इसकी रेंज को कंपेयर करना बहुत साइड. तो जो साइन स्क्वायर वाई है इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होगी 0 से 1. एक ऐसे देखो, इसकी वैल्यू क्या होगी 0 से 1 और लेफ्ट में होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू लेते हैं अपन 0. तो इसकी मिनिमम 0 लोगे और उसमें प्लस 1 ऐड करोगे तो लेफ्ट साइड की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी 1 और 1 से ग्रेटर. तो बेटा लेफ्ट साइड तो ऑलवेज आपका 1 और 1 से ग्रेटर है और जो राइट साइड है ये क्या 1 से लेस, 0 से 1 का मीन क्या 1 से लेस. तो लेफ्ट आपका 1 और 1 से ग्रेटर है, राइट 1 और 1 से लेस है और दिस इक्वल टू दिस कब पॉसिबल होगा जब बोथ पार्ट आर इक्वल टू 1 हो. तो दिस पार्ट भी आपका 1 होना चाहिए. तो लेफ्ट साइड आपकी 1 कब होगी व्हेन दिस पार्ट इज 0. तो ये 0 कब होगा जब x आपका 1/2 होगा, क्योंकि x को 1/2 पुट करने पे 0 प्लस 1 इज 1 और ये 1 कब होगा जब sin स्क्वायर y को आप 1 लोगे. तो sin स्क्वायर y 1 लिखोगे आप तो sin y क्या आ गया प्लस माइनस 1 और sin y की वैल्यू जब प्लस माइनस 1 होगी और मल्टीपल ऑफ पाई बाय 4. सिंपल सी बात ये है कि जो y की वैल्यू है वो रूट 3 से माइनस रूट 3 के बिटवीन हो सकती है और रूट 3 का मीनिंग होगा 1 पॉइंट समथिंग. तो इससे बस ओनली सिंपल वैल्यू क्या होंगी पॉजिटिव की बात करोगे तो एक तो पाई बाय 2 हो सकती है, क्योंकि पाई बाय 2 के बाद अगर आगे चलोगे 5 पाई बाय 2 पे तो वो तो काफी ग्रेटर हो जाएगी ना रूट 3 से. और एक वैल्यू होगी ओनली माइनस के पाई बाय 2. वाई की 2 वैल्यूज है और एक्स की 1 वैल्यूज है. तो देखो इसके ऑर्डर पेयर क्या हो सकते हैं, एक तो अपन 1/2 के साथ पाई बाय 2 ले सकते हो. तो 1 के साथ जब पाई बाय 2 लोगे तो 100% इसके बिटवीन कहीं इधर होगा और 1 के साथ जब माइनस पाई बाय 2 लोगे तो वो वैल्यू आपकी इधर होगी. तो ओनली दो x और y के 2 पेयर है जो बोथ इक्वेशन को क्या करेंगे साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करेंगे. इसका करेक्ट ऑप्शन सेकंड होगा, सेकंड होगा बेटा. ठीक है, उसके बाद देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा. आइए देखिए, अल्फा की वैल्यू पाई बाय 2 से पाई मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है, बीटा भी सेकंड क्वाड्रेंट में ही है और टेन अल्फा की वैल्यू है -1/7 और साइन बीटा की वैल्यू है 1/√10. तो बताओ कि अल्फा प्लस 2 बीटा की कौन से क्वाड्रेंट में आएगा. ठीक है, आइए देखिए. देखो पहला तो है ना ऑब्जर्वेशन से ही निपटाने का प्रयास करते हैं, है ना भाई. अल्फा की वैल्यू देखो आपको दे रखी है पाई बाय 2 से पाई, 2 बीटा पे विचार कर लेते हैं. यहाँ टेन अल्फा कितना है -1/7 है तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव ही होता है. यहाँ देखो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है. अगर तुम देखो 1/√2 को बच्चों अगर मैं कंपेयर करूँ ना 1/√2 से 1/√10 को 1/√2 से कंपेयर करूँ तो आप पाओगे कि ये वैल्यू इससे छोटी है, सही है. और सेकंड क्वाड्रेंट में ये वैल्यू कब आती है साइन की 3/4 पे और ये आती है पाई पे. यानी कि ये जो अपना बीटा है दैट मस्ट लाइन बिटवीन 3/4 एंड पाई पाई. तो 2 बीटा जो है अपना वो हो जाएगा 3/2 से 2.5 और अल्फा जो है अपना वो कहां से कहां तक है भाई 5/2 से पाई पाई क्वाड्रेंट, करेक्ट. तो अगर हम इनको ऐड कर लें तो हमें मिलेगा कि अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू आनी चाहिए. इसको ऐड करो देखो 2π और इसको ऐड करो 3π, 2π से 3π के बीच में यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया है ना.
अब एग्जैक्टली क्या है, चारों ऑप्शन देखो आप, 3π/4, 5π/4, 7π/4, 11π/4, सब अलग अलग क्वांटिटी है, राइट। तो इसलिए ये लगाना बहुत आसान है, इसमें से 2π से 3π/4 में कौन सा एंगल आ रहा है, दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी, राइट। 3π से छोटा है या 2π से बड़ा है, तो डेफिनेटली 4 विल बी द राइट आंसर। तो एक तरीका तो ये है कि बिना सॉल्व करे ऑब्जर्वेशन से कर ले। दूसरा तरीका आप ऐसे कर सकते हो कि वैल्यू निकाल लो। देखो मैं टेन अल्फा प्लस टू बीटा निकाल लेता हूँ, तो फॉर्मूला हो जाएगा कि टेन अल्फा प्लस टू बीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा प्लस टेन टू बीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन अल्फा और टेन टू बीटा। अब देखो टेन अल्फा की वैल्यू तो ये गिवन है मेरे को, सही है, टेन बीटा मुझे निकालना है, तो पहले तो मैं साइन बीटा दिया हुआ है, तो उससे टेन बीटा निकाल लेते हैं। तो टेन बीटा हो जाएगा बच्चों 1/3, 1/3, 3। ओके, अब टेन बीटा बता दो, टेन टू बीटा निकाल लेते हैं, तो टेन टू बीटा कितना हो जाएगा अपना, अच्छा रुको, सेकंड क्वाड्रेंट में, अब इधर साइड में हम टेन टू बीटा निकाल लेते हैं, तो टेन टू बीटा हो जाएगा 2 tan beta डिवाइडेड बाय 1 minus 1/9। सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, तो आई थिंक ये हो गया माइनस 9 और 2 18 हो गए, 3/6 और 8 6/8 यानी कि 3/4 हो गया, टेन टू बीटा या माइनस। अब ये वैल्यू उठा के आप यहाँ पुट कर दो, ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो क्या क्या वैल्यू होगी, माइनस के 1/7, माइनस के 3/4, माइनस के 3/4 और 1 माइनस, और इनका मल्टीप्लीकेशन होगा दोनों का, माइनस 3/4 का माइनस 1/7 का, कितना मिलेगा 3/28। सिंप्लीफाई कर लो, माइनस का 1 आ गया, ओके। अब टेन अल्फा प्लस टू बीटा माइनस 1 है, ठीक है, तो आपको एक बार फिर से ये देखना पड़ेगा, देखो क्योंकि 3π/4 पे भी वैल्यू माइनस 1 आएगी, है ना, तो फिर से देखना पड़ेगा कि अल्फा प्लस टू बीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, और वो वैसे देख लेंगे, और अगर क्वाड्रेंट पता है तो वैसे एक ही आंसर आ रहा है इस क्वाड्रेंट में, तो इसका आंसर सही हो जाएगा 4, चाहे आप पहले इसको सॉल्व करके बाद में इसको करो, चाहे पहले इसको कर लो, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको, 4 विल बी द राइट आंसर। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2 sin x - √3 का मोड और पावर गिवन है 2 cos² - 3 cos x + 1 = 1 और x 0 से पाई है, तो बताओ नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसके कितने पॉसिबल हो सकते हैं। तो देखो इसको करने का क्या मेथड है, सिंपल भाई, राइट साइड में आपके पास क्या है 1, तो उसमें एक मेथड तो क्या है कि सिंपल इसका बोथ साइड क्या ले लो आप लॉग, तो उससे इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और शॉर्टकट मेथड क्या है कि देखो राइट साइड में 1 है, तो इधर देखें आप, ये बेस है, बेस की पावर अगर 0 हो, समथिंग की पावर 0 इज ऑलवेज 1, तो एक केस तो लेट कर सकते हैं कि अगर ये पावर है आपकी 2 cos² - 3 cos x + 1, ये ऑलवेज क्या होनी चाहिए, 0। आपने अगर इसको 0 लेट किया तो समथिंग की पावर 0 इज 1, बट जब ये 0 होगा तो उस केस में बेस 0 नहीं आना चाहिए, ध्यान रखें बस आप। तो देखो केस फर्स्ट पॉसिबल क्या हो सकता है कि इफ पावर 2 cos² x - 3 cos x + 1 = 0, उस कंडीशन को भी यूज करेंगे अपन, तो उसके फैक्टर करो तो क्या होंगे बेटा, 2 cos x - 1 and cos x + 1 - अभी एक बार देख लेते हैं, हाँ ठीक है, तो इनको सॉल्व करने पे एक तो आ गया cos x = 1/2 और इससे मिल गया बेटा cos x = 1। तो देखो 0 से पाई में cos x की वैल्यू 1 कब होगी, जब x आपका 0 होगा, तो cos 0 बेटा 1 होगा, और cos की वैल्यू 1/2 कब होगी 0 से पाई में फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो cos 0 की वैल्यू बनाती है बेटा π/3 पे। बट अपन ने क्या लिखा था कि पावर को अगर 0 लेट किया है तो बेस क्या नहीं आनी चाहिए 0, तो बेटा 2 sin x - √3 की वैल्यू 0 कब होगी, कोमा लगा के सकते हो कि एंड 2 sin x - √3 इज नॉट इक्वल टू 0, तो इससे आ गया sin x ≠√3/2, और जब आप x को π/3 कंसीडर करोगे तो sin π/3 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो ये बेस भी क्या बन जाएगा 0, इसका मीनिंग इस π/3 को सेलेक्ट नहीं करना है इसमें, और x को 0 लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, -√3 का मोड √3 और √3 की पावर 0, तो एक आंसर तो आ गया x = 0। और सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है,
बेस ही हाँ वन बेस अगर वन हो तो पावर चाहे कुछ भी लो वन की पावर समथिंग इज ऑलवेज वन वन तो सेकंड थिंग क्या हो सकता है टू साइन एक्स माइनस रूट थ्री का मोड आप वन ऐड करोगे तो मोड को रिमूव करना है तो राइट साइड में प्लस माइनस तो ये आ गया टू साइन एक्स माइनस रूट थ्री इक्वल टू प्लस माइनस वन और रूट थ्री को राइट में शिफ्ट किया तो दिस इज रूट थ्री प्लस माइनस वन और बाद में इसको क्या करो टू से डिवाइड भी कर देते हैं ठीक है। अब थोड़ा दोबारा देखें कि जब टेकिंग प्लस की बात करोगे तो रूट थ्री प्लस वन क्या होगा टू पॉइंट समथिंग अपॉन टू ये वन से ग्रेटर आ गया तो साइन एक्स की वैल्यू तो वन से लेस होगी ना तो प्लस वाला पार्ट तो चला गया इसको तो रिजेक्ट कर दो आप तो ओनली लेना है टेकिंग माइनस और जब टेकिंग माइनस की बात करोगे तो साइन एक्स की वैल्यू होगी रूट थ्री माइनस वन और देखो ये वैल्यू आपकी वन से लेस भी और पॉजिटिव है और बेटा जीरो से पाई में ये पॉजिटिव वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉसिबल हो सकती है और सेकंड में उसका मीनिंग टू सॉल्यूशन अपन को इससे मिलेंगे और वैल्यू क्या होंगी उससे अपन को मतलब भी नहीं है बेटा नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो टू सॉल्यूशन तो आपको सेकंड केस से मिली और वन सॉल्यूशन फर्स्ट केस से तो टोटल सॉल्यूशन होंगे इसमें थ्री थ्री तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा बेटा सेकंड इस टाइप से करना था इसको। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन फिर से नंबर ऑफ सॉल्यूशन ही पता करना है देखिएगा जरा यहाँ देखो ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पे अल्फा है ओके और अल्फा की रेंज भी अपने को दी हुई है तो अगर मैं LHS को देखता हूँ टू की पावर कॉस अल्फा तो इसकी वैल्यू कैसे होगी तो आप देखिए कॉस अल्फा की वैल्यू होती है माइनस वन से वन के बीच में करेक्ट। अच्छा लेकिन अपने को तो माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 लेना अल्फा इसको भी ध्यान में रखो भाई अल्फा की वैल्यू है माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 तो माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 में कॉस का वैल्यू होता है 0 से 1 के बीच में तो इसका मतलब इसकी वैल्यू हुई 2 पावर 0 यानी 1 और 2 पावर 1 यानी 2 के बीच में जबकि अगर अपन RHS दें RHS में है मोड ऑफ साइन एक्स राइट तो इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन होगी 1 तो अपनी LHS तो कैसी है बच्चों हमेशा एक या एक से बड़ी yes. RHS अपनी कैसी है हमेशा एक या एक से छोटी तो दोनों वैल्यू बराबर कब हो सकती है द ओनली पॉसिबिलिटी कि दोनों का वैल्यू इक्वल वन हो जाए है ना तभी बराबर हो पाएगी नहीं तो ये वन से बड़ी होगी ये वन से छोटी होगी। LHS अपनी वन कब होगी भाई अल्फा जीरो जब अल्फा की वैल्यू सॉरी पाई बाय 2 प्लस माइनस पाई बाय 2 खैर अपने को अल्फा की तो बात करनी नहीं है सॉल्यूशन का मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी तो जब आप ऐसा लोगे तो ये वैल्यू वन हो जाएगी और उस केस में RHS यानी कि मोड ऑफ साइन एक्स जो है आपका वो वन आ जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो एक्स विल बी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 तो जितने भी पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल चूंकि यहाँ एक्स की कोई रेंज हमें गिवन नहीं है तो एक्स तो हम माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक चूज कर सकते हैं तो ऐसे में ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 के कितने हो जाएंगे Infinite number of solution यहाँ बन जाएगा तो answer होना चाहिए infinite solution okay question में लिखा more than 4 तो ये भी correct है so 4 will be the right answer। चलिए next question में आते हैं 10वां सवाल हाँ the maximum value of 4 sin square plus 3 cos square x plus sin x by 2 plus cos x by 2 देखो इसकी maximum value के लिए क्या करना चाहिए अपन को तो देखो first part first thing तो क्या इसमें 3 साइन स्क्वायर प्लस 3 कोस स्क्वायर को तो अपन डायरेक्ट कह सकते हैं बेटा 3 और रिमेनिंग पार्ट होगा प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स वाई 2 प्लस कोस ऑफ एक्स वाई 2 तो देखो इसको करने का क्या प्रोसेस हो सकता है कि इसकी आपको मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो देखो इसमें जो साइन स्क्वायर है इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होगी 0 से 1 बिल्कुल और ये जो पार्ट है साइन एक्स वाई टू प्लस कोस एक्स वाई टू इसकी वैल्यू ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा की रेंज क्या होगी माइनस रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो इसकी रेंज लिखोगे आप माइनस रूट टू से प्लस के रूट टू। अब अपन को इसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात की गई है तो देखो क्या कर सकते हो आप कि लेट आपने साइन स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू को वन लेट किया सिंपल सी बात यही है कि वेरिएबल दोनों में सेम है एक्स तो एक्स की जिस वैल्यू पे ये वन है उसी x की वैल्यू पे ये वाला पार्ट भी मैक्सिमम आना चाहिए तो sin स्क्वायर x की मैक्सिमम वैल्यू को अगर आप 1 लेट करते हो तो sin स्क्वायर की वैल्यू 1 कब होगी मैक्सिमम जब when x इज पाई बाय 2 और x को जब पाई बाय 2 इसमें पुट करोगे तो ये क्या बन गया sin पाई बाय 4 प्लस cos पाई बाय 4 ये वैल्यू क्या मिल गई आपको √2 इसका मीनिंग क्या है कि sin स्क्वायर x की भी आप
मैक्सिमम वैल्यू को लेट कर सकते हो वन, और साइन एक्स वाई टू प्लस कोस एक्स वाई टू की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको भी इसमें क्या पुट कर सकते हो रूट टू। क्यों? क्योंकि एक्स को जब पाई बाई टू लेट करोगे तो बोथ पार्ट आर ऑलवेज वन एंड ग्रेटर देन टू, दोनों ही पार्ट अपनी मैक्सिमम वैल्यू सेम पॉइंट पे अचीव कर रहे हैं। यस राइट, तो उस पॉइंट पे क्या हुआ, दोनों का मैक्सिमम हो जाएगा। तो हाँ यस, तो ये आगे थ्री प्लस वन इज फोर, फोर प्लस रूट, ये इसका मैक्सिमम पॉसिबल है और ये अचीव भी हो जाएगा जब एक्स का वैल्यू होगा पाई बाई फोर। और अपन इसको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक में भी कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट करके कर सकते हैं जो sin x y cos x y 2 इसको अंडर रूट 1 प्लस sin x लिख भी सकते हैं, तो फिर मैक्सिमम के लिए भी वही sin x की मैक्सिमम वैल्यू 1 पुट करनी पड़ेगी, वही करनी पड़ेगी, तो उससे भी कर सकते हैं चाहे। बिल्कुल, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा फर्स्ट। फर्स्ट उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड फोर टपल वेयर x y z बिलोंग्स टू 0 टू 10 विच सैटिस्फाई दिस इक्वेशन। ये भी रेंज कंपैरिजन का सवाल लग रहा, देखिए क्योंकि अगर आप देखते हैं कि एक ही इक्वेशन या इनइक्वालिटी में आपके पास एक से ज्यादा वेरिएबल है तो बस दोनों साइड का रेंज कंपेयर कर लो आप। अब यहाँ आ जाओ, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर वाई साइन स्क्वायर जेड कॉस स्क्वायर डब्ल्यू, सबका मिनिमम पॉसिबल वैल्यू जीरो और मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू वन वन हो सकता है। यानी देखो ये जो अपनी एल एच एस है, एल एच एस का मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या आ सकती है, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है जब ये सारी पावर मैक्सिमम होगी, और उस केस में आपको मिलेगा 2 पावर 1, 3 पावर 1, 4 पावर 1 और 5 पावर 1, और इनका प्रोडक्ट हो गया 120। ठीक है, तो हमें मिला कि अपना जो एल एच एस है दैट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 120, इसका मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है। जबकि आर एच एस, अच्छा आर एच एस में अपने को यहाँ क्या दिया हुआ है कि एल एच एस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 120, ऐसा दिया हुआ है। तो ये कह रहा है कि 120 हो या उससे बड़ा हो, जबकि वास्तव में 120 होता है या उससे छोटा होता है। तो इसलिए इनके बराबर होने का एकमात्र पॉसिबिलिटी क्या है, जब अपना एलएचएस कितना हो जाए 120 हो जाए, तभी ये इनइक्वालिटी वैलिड हो सकती है। 120 से ज्यादा तो बनेगा नहीं, हो कभी 120 हो सकता है, और ये होगा कब, ये जब ये सब पावर 111 होगी, यानी कि जब साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर जेड भी 1 हो और कॉस स्क्वायर वाई और कॉस स्क्वायर डब्ल्यू भी 1 हो। तो साइन स्क्वायर थीटा 1 कब होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, इसका मतलब x और y दोनों क्या होने चाहिए, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। अपने को लेना है 0 से 10 में, तो 0 से 10 में देखो कौन कौन से आ जाएंगे, एक तो पाई बाई टू आ जाए, एक 3 पाई बाई टू आ जाएगा। राइट, पाई बाई टू का अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1.57 होता है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो देखते चलेगा साथ साथ, और 7 पाई बाई टू भी आ जाएगा, और आगे अगर मैं लूंगा तो कितना आएगा, नहीं 7 पाई बाई टू देखो ध्यान से, नहीं नहीं 7 पाई बाई टू नहीं आएगा, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है ना, अपन इसको डिवाइड करेंगे तो 3 पाई से ज्यादा हो गया। ओके, 5 पाई बाई टू लिखना है, 5 पाई बाई टू, हाँ एक मिस कर गया, 5 पाई बाई टू मिस कर गया, तो 5 पाई बाई टू आ जाएगा, 7 पाई बाई टू नहीं आएगा। अब ऐसे आ जाओ, कॉस स्क्वायर थीटा 1 कब होता है, जब थीटा हो मल्टीपल ऑफ पाई। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं, तो वाई और डब्ल्यू क्या क्या हो सकते हैं, जीरो हो सकता है, जीरो लेना अपने को, ओपन इंटरवल है, क्लोज क्लोज है, तो जीरो ले सकते हैं, उसके बाद पाई ले सकते हैं, फिर 2 पाई ले सकते हैं, फिर 3 पाई ले सकते हैं, 3 पाई तक वैल्यू 10 से छोटी रहेगी, 4 पाई जो है वो 12 पॉइंट समथिंग होकर 10 से बड़ा हो जाएगा। तो वाई और डब्ल्यू की 4 पॉसिबिलिटी है, ये एक्स और जेड की, सॉरी एक्स और जेड की 3 पॉसिबिलिटी है। तो मुझे तो पूरा एक 4 टपल सेट करना है यहाँ पे, तो हर एक के लिए नंबर ऑफ चॉइसेस निकाल के हमको मल्टीप्लाई करना होगा, तो कितना हो जाएगा, देखो एक्स को चूज करने के 3 तरीके, वाई को चूज करने के 4, जेड के लिए 3 और डब्ल्यू के लिए 4, तो कुल मिला के हो गया 12 स्क्वायर, यानी कि 144 तरीके से हम एक्स वाई जेड डब्ल्यू चूज कर सकते हैं, बिल्कुल 144 ये रहा, तो सेकेंड आंसर जो अपना वो सही हो जाएगा। यस, चलिए आइए नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दी नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दी इक्वेशन 16 साइन की पावर 5x प्लस कॉस की पावर 5x इक्वल टू 11 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को आपको सोल्व करना है, देखो कैसे करना चाहिए। राइट साइड में साइन प्लस कॉस है, तो आप क्या करो, जो लेफ्ट पार्ट है इसको भी ट्राई करो साइन प्लस कॉस में बदल कन्वर्ट करने के, सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तो इसको कन्वर्ट कर नहीं सकते अपन, क्योंकि ना तो कॉस को कर सकते हैं ना कॉस की पावर 5 को, तो देखो क्या करना चाहिए, ये साइन की पावर 5 प्लस कॉस की और 5 है, इसको देखो पहले आप, इसको मैं शॉर्टकट में लिखता हूं, एस की पावर 5 प्लस सी की पावर 5,
इसको आपको एस प्लस सी में लेके आना। देखो ये पावर फाइव है ना, तो इसको एक बार ऐसे ट्राई करें, एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू एस क्यूब प्लस सी क्यूब। तो सिंपल सी बात क्या है कि जो राइट साइड को मल्टीप्लाई करोगे तो सोल्व करने पे लेफ्ट आना चाहिए। तो देखो करते हैं मल्टीप्लाई, एस स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स एस की पावर फाइव और एस स्क्वायर सी क्यूब करोगे तो ये एक्स्ट्रा टर्म है राइट साइड में, तो उसको क्या करूं माइनस, तो माइनस एस स्क्वायर इंटू सी क्यूब। और सिमिलरली सी स्क्वायर से करोगे तो सी स्क्वायर एक्स क्यूब भी क्या होगी एक्स्ट्रा टर्म, तो माइनस सी स्क्वायर इंटू एस क्यूब। और इसको इससे करने से तो लेफ्ट में टर्म प्रेजेंट है, तो ये इसके क्या होगा इक्विवेलेंट। अब देखो इसकी वैल्यू को दिस पार्ट आपको इसमें पुट करना है, देखो जरा एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो वन हो गया ना, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर वन, तो रिमेनिंग पार्ट क्या होगा साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स। तो अगेन इसमें आप यूज करो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, तो क्या लिखोगे बोलो, ए प्लस बी का मतलब एस प्लस सी और नेक्स्ट ब्रैकेट में आ गया एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अगेन वन और माइनस एस इंटू सी। और ये देखो क्या आ गया माइनस, इन दोनों में बेटा कॉमन आ गया एस स्क्वायर सी स्क्वायर, तो इसमें जब एस स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में आ गया अगेन एस प्लस सी। ये आपका लेफ्ट पार्ट आपने सॉल्व किया है। अब अपन इन सबकी वैल्यू को यूज करते हैं इस इक्वेशन में, तो कितना रह गया क्वेश्चन देखो 16, हाँ, साथ की साथ एक काम करो एस प्लस सी को टीलेट कर देते, कौन लिखेगा बार बार, तो लेट एस प्लस सी को साइन की साइन एक्स प्लस कोस एक्स को आपने टी कंसिडर किया बेटा। तो देखो क्वेश्चन क्या हो गया 16 और इसकी वैल्यू ये पुट करोगे तो क्या लिखोगे टी ब्रैकेट में वन माइनस एस सी और माइनस एस स्क्वायर सी स्क्वायर और ये भी आ गया आपका टी, ठीक है ब्रैकेट क्लोज। और राइट साइड में क्या गया 11 टी, इसको भी आप लेफ्ट में क्या करो ट्रांसफर। तो देखो इससे बेटा क्या मिला आपको, इस ब्रैकेट में भी टी कॉमन, इसमें भी टी कॉमन और इसमें भी टी कॉमन, तो एक तो टी कॉमन आके क्या गया टी इक्वल टू जीरो और एक रिमेनिंग पार्ट को जीरो करना है, तो एक तो आ गया टी इक्वल टू जीरो और रिमेनिंग पार्ट क्या होगा बोलो 16, टी तो कॉमन आ गया वन माइनस एस इंटू सी और माइनस 16 एस स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस 11 इक्वल टू जीरो। इसको और मल्टीप्लाई करो, देखो ये क्या मिलेगा 16 माइनस के 16 एस सी और माइनस के 16 एस स्क्वायर सी स्क्वायर, तो सबको राइट में शिफ्ट कर दो प्लस के लिए, तो ये पार्ट आ गया 16 एस स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस 16 एस सी को अगेन प्लस 16 ऑफ एस सी और प्लस 16 और माइनस 11 प्लस 5 और राइट में आ गया बेटा माइनस के 5 इक्वल टू जीरो। तो ये क्या चीज है आपकी, देखो साइन थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर है ना, तो साइन इंटू कॉस में क्या है अगेन एक क्वाड्रेटिक है, तो देखो इसके फैक्टर क्या होंगे 5 इंटू 16 इज 80, तो इसको फैक्टर सकते हो 20 माइनस 4 20 माइनस 4, तो देखो इसके फैक्टर क्या सकते हैं एक बार लिखने की ट्राई करते हैं अपन, एस सी माइनस 1 इंटू एस सी माइनस 5 इक्वल टू जीरो। तो देखो अपन को क्या लेके आना है, इधर 16 आना चाहिए तो 4 16 के लिए 4 कर दो एक तो इसमें 4 लो, तो देखो और एक इसमें 4, तो क्या आ गया 16 एस स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस 16 ऐसी चीजें, काम करो ना इसको भी प्लस कर दो आपस, हो गया सेट ए और आप फैक्टर कर देना क्वाड्रेटिक से, कोई दिक्कत नहीं इसे, तो इससे एक वैल्यू तो मिल चुकी है अपने पास क्या एस सी इक्वल टू 1/4 और इससे होगी आपके पास एस सी इक्वल टू माइनस के 5/4। तो आप ढंग से देखें इधर एस सी का मीनिंग है साइन इंटू कोस, तो साइन कोस है तो एक टू को कर दो इधर मल्टीप्लाई, तो साइन टू थीटा आ गया, साइन टू एक्स आ गया माइनस के 5/2, तो साइन टू एक्स की वैल्यू क्या 1 से ग्रेटर हो सकती है क्या, सॉरी माइनस 1 से लेस, तो ये वाला पार्ट तो हो गया आपका रिजेक्ट, सिंपल सी बात है। और इसकी बात करोगे तो क्या करो, इसमें भी जब 2 को मल्टीप्लाई करोगे इधर तो अगेन फॉर्मूला बन गया साइन 2x इक्वल टू 1/2, एक तो दिस पार्ट सॉल्यूशन होगा और एक क्या मिलेगा आपके पास साइन थीटा साइन एक्स प्लस कोस एक्स इक्वल टू जीरो देन साइन एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू माइनस कोस एक्स, तो ये आ गया टेन एक्स इक्वल टू माइनस के 1, तो 2 सॉल्यूशन है। अब आपको 0 से 2 पाई में नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात की गई है, तो देखें 0 से 2 पाई में टेन एक्स की वैल्यू माइनस 1 कब होगी सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इसके अकॉर्डिंग तो x आ गया
3 pi by 4 and 7 pi by 4 टू सॉल्यूशन दिस होंगे और अगेन देखो sin 2x की वैल्यू 1 by 2 x आपका 0 से 2 pi है तो 2x आपका होगा 0 से 4 pi तो बेटा 0 से 4 pi में 4 sin की वैल्यू 0 से 4 pi में क्या लानी है हाफ तो एक हाफ इधर होगा एक हाफ इधर तो 4 सॉल्यूशन आपके इससे आने वाले हैं तो sin 2x की वैल्यू 1 by 2 कब होगी जब x pi by सॉरी 2x की वैल्यू pi by 6 या 2 pi plus pi by 6 या फिर 5 pi by 6 या फिर 3 pi minus pi by 6 और सिंपल सी बात है उन सबको जब आप 2 से डिवाइड करोगे ना तो अपॉन में आने वाला 1 by 12 तो इसका मीनिंग क्या है कि इन दोनों में कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं होंगी तो सारे आंसर को आपको इसमें इंक्लूड करना है जब भी दो डिफरेंट इक्वेशन को सॉल्व करो और उन सब आंसर को मर्ज करना है तो ये देखिए कि कॉमन पार्ट तो नहीं है इसमें तो ये दोनों मल्टीपल डिफरेंट है वो पाई बाय 4 कॉर्ड मल्टीपल है और ये पाई बाय 6 कॉर्ड मल्टीपल होगा तो टोटल सॉल्यूशन होंगे 4 और 2 6 तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं द इक्वेशन 2x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई 1 माइनस cos x n जो है नेचुरल नंबर है इसकी कितने सॉल्यूशन होंगे ये हमें देखना है अभी यहां ना ध्यान से देखें तो एक तरफ तो मेरे पास ना ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन और इधर ये एलजेब्रा है जब भी इस तरह का सवाल हो कि उसमें मैथ्स की दो अलग अलग ब्रांचें हो तो आप या तो रेंज कंपैरिजन से करिए और दूसरा टेक्निक हम ग्राफ से भी यूज कर सकते हैं अगर मुझे नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना तो ग्राफ भी बहुत अच्छा तरीका है तो आइए देखिए कैसे करेंगे थोड़ा मुझे ग्राफ बनाने में सहूलियत हो इसलिए मैं क्या करता हूँ 2n प्लस 1 पाई को इधर डिवाइड कर देते हैं और मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ 2x डिवाइडेड बाय 2n प्लस 1 पाई इज इक्वल टू 1 माइनस cos x ठीक है जी टेक्निक जो लगाने वाले हैं वो देखो इतनी सी है कि अगर आपको एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन देखने तो ग्राफ में कैसे देखते हैं कि आप एक ग्राफ बनाइए वाई इज इक्वल टू एफ एक्स का एक ग्राफ बनाइए वाई इज इक्वल टू जी एक्स का और इनके जो इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे वो पक्का सेटिस्फाई करेंगे इस इक्वेशन यस तो इसके इंटरसेक्शन पॉइंट ही इस इक्वेशन के रूट बनते हैं अगर आपको नंबर ऑफ रूट चाहिए तो आपको सिर्फ नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट काउंट करना पड़ेगा आओ देखो शुरू करते हैं पहले 1 माइनस कॉस एक्स बना लेते हैं आसान रहेगा और नेचुरल ओके जी द इक्वेशन एक्स इक्वल टू दिस एन जो है वो नेचुरल है आइए देखते हैं एक बार तो ग्राफ पूरा बनाने की कोशिश करते हैं देखो 1 माइनस कॉस एक्स जैसा ग्राफ होगा माइनस से मल्टीप्लाई हो गया फिर 1 से ऐड हो गया उसमें तो सिंपल आप ऐसे सोच सकते हो कि जब x का वैल्यू आप जीरो डालोगे जीरो से स्टार्ट कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा जीरो तो यहाँ से स्टार्ट होगा ग्राफ पाई बाई टू पे ले जाओगे तो cos पाई बाई टू जीरो के ये वन बन जाएगा तो ये cos x जैसा ग्राफ होगा आपका यूं जाएगा यहाँ पे वन बन जाएगा ठीक है पाई बाई टू पे फिर इधर आ जाओगे पाई पे कितना हो जाएगा cos x will become minus 1 तो ये 2 पे चला जाएगा तो ये वैल्यू यहाँ पे 2 तक आ गई ये याद रखना ये वैल्यू कहाँ तक आ गई 2 तक ये बन गया फिर 3 pi by 2 और 2 pi अगेन 1 आ गया है ना ये वापस से डिक्रीज होगा यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते वापस 0 आ जीरो और फिर इसके बाद अपने आप को रिपीट करता रहेगा मतलब ये ग्राफ हमेशा ऐसे 0 से 2 के बीच में ही चलता जाएगा चाहे आप इधर लो चाहे इधर लो एंड सो तो ये तो ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू 1 माइनस cos x का करेक्ट बच्चों अब दूसरा ग्राफ बनाता हूं मैं y इज इक्वल टू 2 अपॉन 2n प्लस 1 y इनटू x तो ये सिंपली देखो ये तो पूरा कांस्टेंट है तो y इज इक्वल टू mx टाइप हो गया तो ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई व्हिच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन तो यहां से पास होने वाली एक लाइन बन गई ठीक अब यहां देखिए n नेचुरल नंबर है तो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव है पूरा तो ये स्लोप भी इसका पॉजिटिव होगा ये जो अपना ग्राफ है 1 माइनस cos x जो RHS अपनी वो मैक्सिमम 2 जाएगी ठीक है ना उससे ऊपर का ग्राफ होगा ही नहीं तो मैं ये देखना चाहूंगा कि ये टर्म कब 2 होगी तो अगर आप इसमें बराबर 2 डाल के सॉल्व करें तो आपको x का वैल्यू मिलेगा 2n प्लस 1 y जब आप x का ये वैल्यू लोगे तब y का वैल्यू 2 आएगा ओके अब यहां देखो आप तो ऐसे मान लो आगे 2n प्लस 1 पे चूंकि लिमिट है हमारी इससे आगे तो मैं ग्राफ बना नहीं पाऊंगा तो 2n प्लस 1 पाई पे x का वैल्यू 2 हो रहा है या तो यहां से एक लाइन खींचना हम शुरू करते हैं 0 0 से पास होगी ये लाइन
और कहां से पास होगी, 2n plus 1 comma pi comma 2 से, और ये इस तरह से मूव करती हुई आगे चली जाएगी। ओके, अब ये देख लेते हैं कितनी बार इसको कट कर रही है। तो आप देखिए, जीरो से, एक बार जीरो को छोड़ दो, एक आंसर तो चलो x equal to जीरो, इसको तो साइड में कर दो, फिर ओपन इंटरवल देखो जीरो से पाई के बीच में, तो जीरो से पाई के बीच में ये एक बार इसको कट करेगी, पाई से टू पाई में देखो फिर एक बार कट करेगी, टू पाई से थ्री पाई में देखो फिर एक बार कट करेगी, यानी हर पाई इंटरवल पे आपको एक सॉल्यूशन मिलता जाएगा। तो जैसे अभी मान लो जीरो से थ्री पाई में देखना हो, ओपन इंटरवल की बात कर रहा हूँ, जीरो को शामिल नहीं करना, तो कितने सॉल्यूशन आएंगे, तीन। जीरो से फाइव पाई में देखना हो तो पांच सॉल्यूशन आएंगे, तो आपको 2n plus 1 पाई तक देखना है तो कितने सॉल्यूशन आ जाएंगे, 2n plus 1, इतने ही सॉल्यूशन आ जाएंगे। yes. और एक सॉल्यूशन ये वाला मिल गया, तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए भाई, 2n plus 2। तो आंसर देखते हैं, इनफाइनाइट रियल सॉल्यूशन तो गलत बात है, दैट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू के लिए फाइनाइट सॉल्यूशन ही आएंगे, एग्जैक्टली वन रियल सॉल्यूशन, ठीक है, ये भी सही नहीं है क्योंकि हम मिनिमम से मिनिमम भी लेंगे तो पाई तक तो लेना ही पड़ेगा, नहीं एन का वैल्यू अपन वन डालेंगे तो भी यहाँ थ्री पाई बनेगा, देखो है ना, तो चार सॉल्यूशन तो मिल ही जाएंगे। यस, एग्जैक्टली ये रहा ना सही आंसर, एग्जैक्टली 2n plus 2 रियल सॉल्यूशन आएंगे, और ये एन पे डिपेंड भी कर रहा है, यही हमारे पास आ रहा है, तो राइट आंसर जो इसका थर्ड होना चाहिए। चलिए आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। दी मिनिमम पॉसिबल इंटीजर वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, आपको एक एक्सप्रेशन गिवन है, इसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखो इसमें दो डिफरेंट वेरिएबल अल्फा एंड बीटा, तो क्या करना है देखें, इसमें ये देखो बोथ टर्म्स इसमें क्या है, पॉजिटिव। तो ये सिंपल सी बात ये है कि जब भी अपन को मैक्सिमम और मिनिमम की बात करनी हो तो अपन ट्राई करते हैं उसको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करने की। तो देखें ये टेन स्क्वायर बीटा टेन स्क्वायर अल्फा है, तो अपन इजीली सेक स्क्वायर अल्फा और सेक स्क्वायर बीटा को टेन में बदल कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो sec की पावर फोर अल्फा को क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर, और sec स्क्वायर अल्फा इज 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर अपॉन tan स्क्वायर बीटा, और प्लस सिमिलरली ये आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा का होल स्क्वायर अपॉन tan स्क्वायर अल्फा। अब इसको थोड़ा सोचो कि किस टाइप से इसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो अपन ट्राई करते हैं कि होल स्क्वायर बनाने की इसको, तो चलो देखते हैं एक बार। तो क्या करना चाहिए देखें, तो पहले इसकी स्क्वायरिंग ओपन करो आप, तो जब इसकी स्क्वायरिंग ओपन करोगे तो e इक्वल टू आ गया 1 प्लस टेन की पावर 4 अल्फा प्लस 2 टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन टेन स्क्वायर बीटा, प्लस इसकी भी स्क्वायरिंग ओपन करोगे तो अगेन 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा प्लस सॉरी पावर 4 होगी ना, पावर 4, या फिर इसको एक काम करते हैं यहां 2 लिख दो, वो तो फिर उसमें भी करना पड़ेगा, टेन की पावर 4 बीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर बीटा अपॉन में आ गया टेन स्क्वायर अल्फा। अब अगेन देखो क्या करना चाहिए, तो एक बार आपने sec को 10 में कन्वर्ट किया और दोनों तरफ स्क्वायर को ओपन किया, अब इधर देखें सभी, इसमें देखो ये ऑल टर्म्स क्या आपकी पॉजिटिव हैं, 1 10 की पावर 4 10 स्क्वायर अप टू सो ऑन, तो जब भी सारी टर्म्स पॉजिटिव हो तो अपन ट्राई करते हैं amgm को यूज करने के लिए, बट amgm को यूज करना है इस क्वेश्चन में तो उनका प्रोडक्ट एक कांस्टेंट आना चाहिए, सिंपल सी बात है भाई, एम ग्रेटर देन जीएम में एम ग्रेटर देन जीएम, तो जीएम का मीन क्या होगा, सबका मल्टीप्लाई की पावर नंबर ऑफ टर्म्स बाय 1 बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो देखो इसको अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो एक काम करो आप ईच टर्म को टेन स्क्वायर बीटा से पहले क्या करो डिवाइड, उसी केस में तो नंबर ऑफ टर्म्स लिखोगे ना एम ए प्लस बी प्लस सी प्लस समथिंग बाय समथिंग, तो देखो क्या करना चाहिए ईच टर्म से डिवाइड करते अपन, हां लोग टेन स्क्वायर अल्फा को ए मान लेते हैं, हां ये भी कर सकते हो, बी मान लेते हैं, तो लिखने में बार बार लिख दे सुविधा हो जाएगी, तो उसको अपन टेन स्क्वायर अल्फा को लेट ए और टेन स्क्वायर बीटा को लेट बी कर लेते हैं, और ए और बी पॉजिटिव है, यस, लेट टेन स्क्वायर अल्फा को ए एंड टेन स्क्वायर बीटा को बी पुट कर देते हैं, तो देखते हैं क्या होगा फिर।
तो क्वेश्चन आ गया E इक्वल टू वन प्लस ए स्क्वायर प्लस टू बी सॉरी टू ए टू ए अपॉन बी स्क्वायर ठीक है और बी प्लस सॉरी टेन स्क्वायर डिवाइड प्लस लिखोगे वन प्लस बी स्क्वायर प्लस टू बी अपॉन ए ए हाँ अब इससे बेनिफिट होगा कि लिखने में सुविधा रहेगी अपने लिए तो अब इसको बी से डिवाइड करें इसको इसमें ईच टर्म को ए से डिवाइड देखो क्या आ गया वन वाई बी प्लस दिस इज ए स्क्वायर अपॉन बी ए स्क्वायर अपॉन बी और ये आ गया बेटा प्लस टू ए अपॉन बी और सिमिलरली इसकी बात करोगे तो अगेन वन वाई ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस टू बी अपॉन ए अब देखो आप समझो इसको अगर आप डायरेक्ट ईच टर्म पॉजिटिव है और डायरेक्ट आप इसमें क्या करोगे ए एम गिर दीजिए तो एक बार ये देखो कि जब मल्टीप्लाई करोगे तो कॉन्स्टेंट आना चाहिए तो देखो न्यूमेटर को मल्टीप्लाई करो तो क्या आने वाला है ए स्क्वायर ए ए क्यूब और डिनोमीटर में आएगा आपके पास ए क्यूब ए क्यूब और न्यूमेटर की बात करोगे तो आ गया बी 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 क्यूब और न्यूमेटर में आ गया बी क्यूब बट अगर आपने दिस दिस और दिस में ए एम जी एम यूज किया तो अपन की कंडीशन क्या होगी कि ए एम जी एम की इक्वल कब होगा जब ऑल टर्म्स आर इक्वल साइमल्टेनियसली तो बेटा क्या कभी ए स्क्वायर बी और वन अपॉन बी इक्वल हो सकते हैं क्या या फिर ए स्क्वायर बी और टू ए अपॉन बी कभी क्या नहीं हो सकते इक्वल नहीं हो सकते तो क्या करना चाहिए इसमें देखो जो टू ए अपॉन बी है इसको भी आप दो पार्ट में क्या कर दो स्प्लिट कर दो ब्रेक करो तो टू ए अपॉन बी को लिख सकते हैं ए बाई बी प्लस ए बाई बी और सिमिलरली टू बी अपॉन ए को भी आप क्या लिखोगे बी बाई ए प्लस बी बाई ए तो देखो क्या आ जाएगा इससे इक्वल टू वन बाई ए प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बाई बी प्लस ए बाई बी और उनकी भी बात करूं तो सेम आ गया क्या वन बाय ए सॉरी वन बाई बी वन बाय बी ये वन बाय ए प्लस बी स्क्वायर बाय ए प्लस बी अपोन ए प्लस बी अपोन ए अब आप इसमें क्या कर सकते हो ये टोटल एट टर्म्स हैं अब जब इनको मल्टीप्लाई करोगे आप तो देखो मल्टीप्लाई करने पे क्या आने वाला है न्यूमेटर में क्या होगा ए की पावर फोर बी की पावर फोर और डिनोमेटर में भी क्या होगा बी की पावर फोर और ए की पावर फोर इसका मीनिंग जब ए एम ग्रेटर देन जी एम इसमें यूज करोगे ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम ए एम तो क्या आ गया आपका क्वेश्चन ए एम तो क्या आ गया सॉरी दिस वाई एट और ग्रेटर देन इक्वल टू दिस पार्ट आ गया वन की पावर वन बाई अगेन वन तो इससे आपको पता चल गया कि जो आपका एक्सप्रेशन है दिस पार्ट ऑलवेज क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू एट तो इसने पूछा इसकी मिनिमम वैल्यू तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आनी चाहिए बोलो एट आनी चाहिए और देखो इसमें ऑप्शन में सिक्स भी गिवन है तो आपने डायरेक्ट अगर इसमें ए एम जी एम यूज किया ना तो फिर आंसर गलत हो जाएगा बेटा बिल्कुल तो उसका करेक्ट ऑप्शन टिक करना अपन को सेकंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ओके ये तो देखिए बड़ा आसान लग रहा है ना अब आप एल एच एस को ध्यान से देखिए वन प्लस साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स तो ये जीपी है इनफाइनाइट जीपी है ओके यहां देखिए यहां पे जीरो से पाई है तो इससे साबित होता है कि साइन एक्स पॉजिटिव भी है और दूसरी बात अगर मैं साइन एक्स को वन ले लूंगा तो आप देख सकते हैं वन प्लस वन इनफाइनाइट टाइम होगा तो वो इसके बराबर आएगा भी नहीं यानी कि साइन एक्स का जो वैल्यू है मेरे पास वो मुझे जीरो से बड़ा और वन से छोटा ही रखना है तो ऐसे में अब हम इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं सो दिस कैन बी रिटन वन अपॉन वन माइनस साइन एक्स सामने की तरफ देखिए इससे टू कॉमन ले लें तो ये है टू प्लस रूट थ्री और अगर इसको रेशलाइज कर दूं तो टू डिवाइडेड बाय टू माइनस रूट थ्री ऐसा बन जाएगा पलट लीजिए टर्म्स को सो यू गॉट वन माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू टू माइनस रूट थ्री डिवाइडेड बाय टू दैट कैन बी रिटन वन माइनस रूट थ्री बाय टू सो इफ यू सिंप्लीफाई दिस यू गॉट साइन एक्स इक्वल टू रूट थ्री बाय टू रूट थ्री बाय टू तो क्या पूछ रहा है जीरो से पाई में सॉल्यूशन पूछ रहा है तो 3 बाई टू 60 डिग्री यानी पाई बाई थ्री पे और 120 यानी कि 2 पाई बाई थ्री तो ये दो आंसर्स क्या आ जाएंगे पाई बाई थ्री और 2 पाई बाई थ्री यस तो ये रहा बिल्कुल फोर्थ क्वेश्चन जो अपना ये सही हो जाएगा चलिए अगले सवाल पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है
ये भी शायद सिमिलर, ये भी जीपी वाला कांसेप्ट पे लग रहा है। बस इसमें थोड़ा ध्यान ये देना अपन को, ये सेम जीपी का क्वेश्चन ही है, 8 की पावर 1 प्लस मोड कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मोड प्लस कॉस क्यूब एक्स का मोड अप टू सो ऑन। तो इसमें देखें आप, एक्स आपका माइनस पाई से पाई है और माइनस पाई से पाई में कॉस नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है, भाई माइनस पाई से पाई है ना, तो कॉस की वैल्यू जीरो से पाई में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। तो ये जो इसमें तो ऑलरेडी गिवन है कि ये मॉड है तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज ये क्वेश्चन ओरिजिन में कॉस स्क्वायर एक्स ही था है। तो कॉस स्क्वायर एक्स को भी आप क्या ले सकते हो, मॉड कॉस स्क्वायर। तो सिंपल सी बात क्या है कि सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करते हो अगेन मॉड कॉस एक्स, इसको इससे डिवाइड करने पे अगेन क्या आ गया मॉड कॉस एक्स। तो ये जीपी है और इसकी फर्स्ट टर्म वन है और कॉमन रेशियो मॉड कॉस एक्स है। तो सिंपल क्या आ गया, एट की पावर ए अपॉन तो वन अपॉन वन माइनस मॉड कॉस एक्स। बस याद ये रखना अपन को कि इनफाइनाइट जीपी में जो रेशियो है माइनस वन से वन के बिटवीन हो सकता है। तो ये आ गया 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 का मीनिंग 64, तो इसको भी आप लिख सकते हो 8 स्क्वायर। इसका बेनिफिट क्या होगा कि बेस इक्वल हो तो पावर भी अपन इक्वल कर सकते हैं। तो ये आ गया 1 अपॉन 1 माइनस मोड कॉस एक्स इक्वल टू 2। इसका रेसिप्रोकल कर दें आप, सीधा डायरेक्ट हो जाएगा 64। तो क्या आ गया रेसिप्रोकल लेने पे, 1 माइनस मोड कॉस एक्स इक्वल टू हाफ, तो देन इससे मिल गया मोड कॉस एक्स इक्वल टू 1/2। तो मोड कॉस एक्स का मीनिंग कॉस एक्स इक्वल टू प्लस माइनस हाफ। तो देखो कॉस की वैल्यू प्लस माइनस हाफ का हो सकती है माइनस पाई से पाई में, पाई बाई थ्री पे 1/2 यस, माइनस पाई बाई थ्री पे 1/2 होगी। इसका मीनिंग चार ऑप्शन सही है बिल्कुल, क्योंकि ये सारे ऑप्शन माइनस पाई से पाई के बिटवीन है और पाई बाई थ्री के और मल्टीपल पे कॉस की वैल्यू क्या होती है प्लस माइनस वन, प्लस माइनस 1/2। तो ऑल फोर ऑप्शन आर करेक्ट। चलिए जी नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। चलिए इस इक्वेशन को बड़े ध्यान से देख लीजिए और आप पाएंगे कि ऐसा ही इक्वेशन हम अभी ऑलरेडी आज की क्लास में भी कर चुके हैं ना, जिसमें साइन पावर 5 और कॉस पावर 5 था। पहले तो देखिए इसमें से 2 कॉमन लेके अपन इसको लिख लेते हैं, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स और माइनस के 3 साइन 2x। तो इसको भी मैं ऐसे कन्वर्ट कर दूं, 3 चलो अभी रहने दो, साइन 2x प्लस के 2 बराबर। यहां देखो बेटा, ध्यान देने वाली बात यह है कि जब कभी इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में आपके पास ऐसी टर्म हो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और एक साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और साथ में साइन एक्स कॉस एक्स, इस तरह की टर्म हो, तो याद रखो ये सारी टर्म आपस में एक दूसरे में बदल सकती है, यानी हम पूरी की पूरी इक्वेशन को एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी तो खैर ये तो है नहीं मेरे पास, तो देखिए इसको अगर मैं टी मान लेता हूँ तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो देखिए अगर हम इसका स्क्वायर कर देते हैं बच्चों तो मुझे मिलेगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स विच विल बिकम 1 और सामने हो गया टी स्क्वायर। यानी कि बच्चों साइन एक्स कॉस एक्स कैन बी रिटर्न टी स्क्वायर माइनस 1/2। तो ऐसे इस पूरी इक्वेशन को बदल सकते हैं हम टी में, एक बार ये टी में बदल गई तो सॉल्व कर लेंगे इसको। आइए यहाँ ये देखिए कैसे करें, 2 तो अपनी जगह है ही, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा देते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को अपन क्या लिख सकते हैं भाई, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपन इसको, अच्छा मैं एक सीधा एक ही फॉर्म में लिख रहा हूँ, चलिए मैं साइन को ना एस लिख रहा हूँ और कॉस को सी लिख रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो एस प्लस सी और यहाँ बन जाएगा एस स्क्वायर प्लस माइनस एस सी और प्लस सी सी स्क्वायर, ये इसकी कहानी खत्म, माइनस 3 इंटू 2 इंटू एस इंटू सी, इसको भी हमने लिख लिया 2 साइन एक्स कॉस एक्स साथ में 2 इक्वल टू 0 बस। और अब आप एस प्लस सी को इसमें 2 पुट कर दो तो देखिए क्या क्या बन जाना है, ये तो 2 है ही अपनी जगह, ये टर्म हो गई टी, यहाँ देखिएगा एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स विल बिकम 1 माइनस एस सी का वैल्यू ये वाला पुट कर दीजिए, यानी कि टी स्क्वायर माइनस 1/2। ये ब्रैकेट क्लोज इधर आ जाओ, माइनस 3 और 2 एस सी टी, तो 2 एस सी हो गया भाई टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस के हो गए 2 सामने हो गया 0। आगे चलते हैं इसको सिंपलीफाई करते हैं या ऊपर लिख लेते हैं, आ जाओ देखो 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि इसका भी 2 कैंसिल हो जाए, तो देखो क्या मिला 2t,
2t को ही अंदर ले चलते हैं ना, तो ये तो 2t हो गया, यहाँ 2 कैंसिल आउट हो गया, आपको मिलेगा माइनस t क्यूब माइनस t, और इधर है भाई माइनस का 3t स्क्वायर, ओके, और ये देखो प्लस का 3 हो गया और ये 2 मिला के हो गया 5 इक्वल टू 0। अब इसको हम अरेंज करके लिख लेते हैं, t क्यूब के कोफिशिएंट को पॉजिटिव रखना तो सबको उधर ले चलते हैं, तो t क्यूब तो देखो क्या आएगा, t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर और आएगा भी प्लस का 3t स्क्वायर, ये देखो 2t और प्लस के t, ये हो गया 3t माइनस, तो उसको उधर लेंगे तो माइनस के 3t और आ गया प्लस का 5 माइनस माइनस का उधर सब उधर लेके चलेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा हमारे पास। तो ये एक क्यूबिक इक्वेशन बन रही है अपने पास, क्यूबिक है तो एक रूट तो आपको ऑब्जर्वेशन से ही देखना पड़ेगा ना, तो टी का वैल्यू आप जैसे इसमें देखिए 1 रख के देखिए, -1 रख के देखिए। अच्छा देखो यहाँ जो नंबर होता है ना, यहाँ अगर कोफिशिएंट टी क्यूब का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ जो नंबर है तो जो उसके डिवाइजर होते हैं वही पुट करके देखना चाहिए, मतलब आप इसमें टी का वैल्यू 2 रख के देख रहे हैं तो फिर गलती कर रहे हैं, और 5 के डिवाइजर कौन है 1 और 5, तो 1 डाल के देखो -1 डाल के देखो। आइए देखिए, तो अगर देखो मैं 1 डालता हूँ ना तो 3+1 ये तो 4 हो जाएगा, इधर -8 हो जाएगा, बात नहीं बनेगी। -1 अगर डालता देन दिस विल बी -1 ये हो जाएगा +3 प्लस, ये हो गया +3 और -5 और ये हो गया भैया 0। यस, तो डेफिनेटली इसका एक फैक्टर क्या है, t+1। दूसरा जो फैक्टर है वो क्या होगा, देखो यहाँ टी क्यूब है तो निश्चित रूप से t² आना ही आना है, यहाँ -5 है यहाँ 1 है तो पक्का यहाँ पे -5 आएगा। अब यहाँ टी वाली टर्म और आएगी तो देखो 3t² बनना चाहिए ना, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो t² तो ये इससे मल्टीप्लाई होकर बनना चाहिए 2t² तो ये इसके फैक्टर हो गए। अब हम यहाँ से टी की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो देखो टी की वैल्यू क्या क्या है, एक तो आ गई भाई -1, यहाँ श्रीधराचार्य लगा देते हैं तो -b + -√b² -4ac यानी कि √24 डिवाइडेड बाय 2। ओके, इस टर्म को हम रिमूव कर देते हैं, इसकी जरूरत है नहीं हमें। ओके, अब ये मत भूल जाना कि टी माना किसको था, टी किसको माने थे हम, sin x + cos x को, है ना, तो उसकी जरूरत देखो कैसे पड़ेगी, वापस से टी की वैल्यू डाल देता हूं मैं यहाँ पे, sin x + cos x = -1, इसके दो पार्ट कर लेते हैं और 24 root 6 तो 2 कैंसिल आउट हो गए, -2 - √4 - 2 और आपको पता लग ही गया होगा कि कौन सा फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करते हैं रेंज निकालने के लिए, और ये दोनों ही नंबर देखो इस रेंज से बाहर, तो एकमात्र संभावना बची हमारे पास कि भाई sin x + cos x का वैल्यू होना चाहिए -1। अब आप क्या कर सकते हो, इसको स्क्वायर करके सॉल्व कर सकते हो, है ना, ऑब्जर्वेशन से भी कर सकते हो, देखो sin x + cos x सामने +1 हो -1 हो तो आप देखिए ध्यान से, जब sin x - 1 होता है ना तो cos x 0 हो जाता है, जब cos x - 1 होता है तो sin x 0 हो जाता है, यानी कि sin x = -1 भी इसको सेटिस्फाई करेगा और cos x = -1 भी इसको सेटिस्फाई करेगा। अब हमें पता क्या करना था, इसमें 0 से 4π में नंबर ऑफ सॉल्यूशन पता करना है। ये लो जी आ जाओ, 0 से 4π का मतलब ये 0 से 2π और ये 4π, दो राउंड आपको काटने हैं। से sin x का वैल्यू -1 होता है इस जगह, तो दो रूट यहाँ आ जाएंगे, 3π/2 आ जाएगा और एक 4π - π/2 आ जाना। cos x का वैल्यू -1 होता है इस जगह, तो दो रूट इसके आ जाएंगे, π और 3π, तो कुल मिला के इसके 4 रूट आपको 0 से 4π में मिलेंगे, तो लैम्डा आ गया, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई भाई 4। अभी ऑप्शन चेक करना, बाकी मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं, देखो पहला ऑप्शन तो सही है, लैम्डा इज अ प्राइम, ये गलत हो गया, लैम्डा इज अ कंपोजिट नंबर, यस तो बिल्कुल कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर तो जानते हैं ना, जो दो या ज्यादा प्राइम नंबर के मल्टीप्लीकेशन से बनते हैं, और लैम्डा इज अ ऑड नेचुरल नंबर, ये भी गलत हो गया, तो आई थिंक फर्स्ट और थर्ड विल बी द राइट आंसर। यस, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। आपके पास अल्फा और बीटा में 2 रिलेशंस गिवन है,
और इनको सोल्व करके आपको वन बाई वन ऑप्शन को चेक करना है। तो देखें फर्स्ट रिलेशन और सेकंड जो रिलेशन है, फर्स्ट रिलेशन तो लिख सकते हो आप कोस एल्फा प्लस टू साइन एल्फा टू, और सिमिलरली नेक्स्ट लिख सकते हैं दिस इक्वल टू टू। इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है कि जब अल्फा को बीटा, बीटा को अल्फा लोगे तो दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या है, सेम है। तो एक को सोल्व कर लो, उसी के अकॉर्डिंग अपन बीटा की वैल्यू भी लिख सकते हैं। तो देखें इसको कैसे सोल्व करना है। तो सबसे पहले 2 sin अल्फा को आप राइट में शिफ्ट करें तो उससे 2 कॉमन आ जाएगा बेटा, तो cos अल्फा आ गया 2 कॉमन 1 माइनस sin अल्फा। अब आप देखो बोथ साइड स्क्वायरिंग कब कर सकते हैं, जब बोथ साइड या तो पॉजिटिव पार्ट हो या बोथ साइड नेगेटिव, तो sin की वैल्यू 1 से लेस तो ये वाला पार्ट भी पॉजिटिव है और 0 से पाई बाय 2 में cos अल्फा भी आपका पॉजिटिव है। तो अपन डायरेक्ट क्या कर सकते हैं इसकी स्क्वायरिंग, तो देखो राइट साइड में स्क्वायरिंग करने पे क्या आ गया 4 ब्रैकेट में 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस टू साइन अल्फा, और लेफ्ट की बात करोगे तो देखो ये आएगा कोस स्क्वायर अल्फा, लेकिन इधर आपका साइन स्क्वायर अल्फा है तो इसको भी आप साइन में कन्वर्ट करो तो दिस पार्ट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिखने के बाद क्या करो सबको जब वन साइड लेके आओगे तो क्या आगे 4, और एक काम कर सकते हो कि ये सीधा 1 माइनस साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा लिख के सीधा 1 माइनस साइन अल्फा को अपन कॉमन भी ले सकते हैं। तो एक काम करो स्क्वायरिंग भी करने की जरूरत नहीं है इसमें, स्क्वायरिंग करने के बाद सीधा अपन होल स्क्वायर को लिख सकते हैं। इस पे दोनों पे जब स्क्वायरिंग करोगे आप तो ये आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, दिस इज 1 माइनस साइन अल्फा इंटू सॉरी 4 1 प्लस सीधा मैंने a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज किया, और लेफ्ट में तो एज इट इज आ गया 4 1 माइनस साइन अल्फा का स्क्वायर। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, एक पार्ट कॉमन आके जीरो चला जाएगा, तो एक तो आ गया 1 माइनस साइन अल्फा जीरो, तो 1 माइनस साइन अल्फा को जीरो करोगे तो इससे मिल गया साइन अल्फा 1 देन अल्फा इक्वल टू पाई बाई 2, और सेकेंड पार्ट क्या होगा कि 1 प्लस साइन अल्फा इक्वल टू 4 1 माइनस साइन अल्फा, इसको लिख देते हैं एक बार 1 प्लस साइन अल्फा इक्वल टू 4 माइनस 4 साइन अल्फा, साइन अल्फा को उधर शिफ्ट किया तो 5 साइन अल्फा 3 देन साइन अल्फा की वैल्यू होगी इससे 3/5। सिमिलरली जब आप दिस इक्वल टू 2 की बात करोगे तो उससे बीटा की वैल्यू सिमिलरली क्या मिलेगी, एक तो बीटा होगा इसमें पाई बाई 2 और इससे एक साइन बीटा जाएगा आपके पास 3/5। तो साइन आपका 3/5 है तो कॉस क्या मिलेगा 4/5 राइट एंगल ट्राइंगल से। अब अपन देखते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए इसमें। अल्फा और बीटा दोनों को पाई बाई 2 लेने पे भी सही है बात, मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है इसमें, सिंपल सी बात ही है। तो अपन को वन बाई वन ऑप्शन से बात करनी, तो देखें इस ऑप्शन में अगर आप कॉस अल्फा और कॉस बीटा इन दोनों की वैल्यू को अगर 4/5 लोगे तो फिर तो सम आने वाला है 8/5, तो वो तो लेना नहीं है अपन को। तो आप क्या करो अल्फा को अगर पाई बाई 2 लेट करते हो तो कॉस बीटा की वैल्यू को लेट करो 4/5, तो हाँ इन दोनों का सम 4/5 आ सकता है, तो ये आंसर भी सही होगा आपका। इसमें तो सिंपल है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा आपका क्या आना चाहिए 8/5, तो साइन अल्फा और साइन बीटा तो 8/5। अगर हम इसको 1 ले हाँ और एक को 3 इसको 1 लो, इसको भाई अल्फा को पाई बाई 2 और साइन बीटा को आपने 3/5 लिया तो आ गया ना सम अगेन 8/5, तो ये हो सकता है। सिमिलरली देखो ये भी हो गया कॉस अल्फा को तो लेट करो 4/5 और बीटा को पाई बाई 2 तो 0, तो ये भी 4/5 मोड लगा रखा है उसने। और इन दोनों के मल्टीप्लाई की बात करोगे तो देखें अगर आपने साइन अल्फा को 3/5 लिया और बीटा को क्या लिया पाई बाई 2 तो अगेन मल्टीप्लाई क्या आ सकता है 3/5, तो इसके ऑल फोर ऑप्शन आर करेक्ट, सारे ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 19 द सॉल्यूशन एक्स वाई ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ओके दो इक्वेशन मुझे गिवन है, देखो एक तो गिवन है कि एक्स माइनस वाई का वैल्यू 1/3 है और दूसरा मुझे ये, तो इससे एक मन तो ये कर ही रहा है कि भाई इसको भी यूज करें यहाँ पे सॉल्व करते समय। और देखो दूसरा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर भी सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि हमें फॉर्मूला लगा लेना चाहिए। अगर मैं यहाँ फॉर्मूला लगा दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, देखो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर भी होता है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस, यानी कि कॉस पाई एक्स प्लस वाई और इंटू कॉस ए माइनस बी पाई एक्स माइनस वाई दैट इज इक्वल टू हाफ। और अब मैं ये यूज कर लेता हूँ कि x माइनस वाई 1/3 है तो ये कितना हो गया 5/3 1/2 बन जाए ना, और cos 5/3 होता है हाफ
तो ये टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, तो आपको मिला कि cos pi x plus y is equal to 1, और cos 1 कब होता है पाई के इवन मल्टीपल, हाँ पाई का इवन मल्टीपल को साथ 2n पाई, पाई से पाई कैंसिल, x plus y का वैल्यू आया बच्चों 2n, yes. x minus y का वैल्यू तुम्हें पहले से दिया हुआ है 1/3, इनको उठा के एक बार ऐड कर लो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर लो, जोड़ोगे x की वैल्यू आ जाएगी, इसमें से इसको घटाओगे y की वैल्यू आएगी, आएगी कितनी देख लेते हैं, 2n plus 1/3 divided by 2, तो कितना हो गया ये 6n plus 1/6 और एक हो जाएगी 6n minus 1/6. अब इसमें n का वैल्यू पुट करते जाओ और पेयर कैलकुलेट करते जाओ, तो देखो जैसे मैं n का वैल्यू अगर इसमें 1 पुट कर देता हूँ तो क्या मुझे ये मिल जाएगा, yes. तो ये n equal to 1 पे आ जाएगा, 1/3 2/3 है, ये कभी नहीं है, ये नहीं आएगा कभी आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा ऑड नंबर बनेगा ये 6n plus 1 और यहाँ नीचे 6 है, तो नीचे 3 तभी आ सकता है जब 2 कैंसिल आउट हो, yes. और ऑड नंबर में से 2 कैंसिल होगा नहीं, तो ये तो पॉसिबिलिटीज की खत्म हो गई, yes. यहाँ देखिए अगर हम n का वैल्यू माइनस 1 ले लेते हैं, if you take n equal to minus 1, तो ये हो जाएगा माइनस 5/6 और ये हो जाएगा माइनस 7/6, तो ये भी सही हो गया. अगर आपको 13 बनाने हैं तो n का वैल्यू 2 ले लीजिए, 2 ले लो, n का वैल्यू 2 लोगे बच्चों तो ये तो 13/6, ये 11/6, तो ये भी करेक्ट. तो फर्स्ट थर्ड और फोर्थ जो है वो इसके राइट आंसर है. चलिए अगले सवाल पे आते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन देखें आप. इफ cos cubex into sin 2x equal to sigma m equal to 1 से n am into sin mx is n identity in x, then आपको 1/1 ऑप्शन को चेक करना है. तो देखो क्या करना चाहिए, जब कोई भी आपको रिलेशन गिवन हो या इक्वेशन गिवन हो और उसको क्या बोला जाए आइडेंटिटी, तो आप कोरस्पोंडिंग कोफिशिएंट को क्या कर सकते हो, जीरो कर सकते हो या कंपेयर कर सकते हो. तो देखें जब आप राइट साइड में सिग्मा ओपन करोगे तो क्या आने वाला है, ए वन साइन एक्स प्लस ए टू साइन टू एक्स प्लस ए थ्री साइन थ्री एक्स अप टू सोन. तो आप क्या करो कि जो लेफ्ट साइड है इसको भी साइन एक्स साइन टू एक्स साइन थ्री एक्स में कन्वर्ट करने की ट्राई करो, तो अपन इजिली बहुत साइड कंपेयर कर सकते हैं. तो देखो इसको साइन एक्स साइन टू एक्स में कन्वर्ट करना है तो ये तो ऑलरेडी सही है आपका, तो कॉस क्यूब एक्स को आपको किसमें लाना है, साइन में. तो कॉस क्यूब एक्स को साइन में लाने के लिए पहले आप इसमें बेटा कॉस थ्री एक्स का फॉर्मूला यूज करो, फोर कॉस क्यूब एक्स माइनस थ्री कॉस एक्स. तो देखो इससे कॉस क्यूब एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, इसको उधर शिफ्ट करो माइनस थ्री कॉस एक्स को, तो कॉस क्यूब एक्स आ गया आपका 1/4 कॉस थ्री एक्स प्लस थ्री कॉस एक्स. तो इस वैल्यू को इसमें पुट कर दें आप, तो 1/4 कॉस थ्री एक्स कॉस थ्री एक्स प्लस थ्री कॉस एक्स थ्री कॉस एक्स और मल्टीप्लाई में आ रहा है साइन ऑफ टू एक्स टू एक्स. राइट साइड की चलो बाद में बात करते हैं. अब अगेन इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है और साइन में कन्वर्ट करना है, सिंपल सी बात है. देखो इसको साइन टू एक्स से मल्टीप्लाई करो बोथ टर्म्स को, तो कॉस थ्री एक्स इंटू साइन टू एक्स प्लस थ्री इंटू कॉस एक्स साइन टू एक्स साइन टू एक्स इंटू कॉस एक्स कॉस एक्स. देखो आप इस दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का मल्टीप्लाई है, तो अगर इसमें 2 होता साथ में तो फॉर्मूला बन गया 2 cos a sin b या 2 sin a cos b. तो क्या करो इसको 2 से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड, तो a 2 से मल्टीप्लाई इधर कर दो, a 2 से मल्टीप्लाई इधर और 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से बेटा इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा. चलो इसको करते हैं सॉल्व, तो ये आ गया इक्वल टू 1/8 ब्रैकेट में देखें आप 2 cos a sin b का फॉर्मूला क्या होगा, sin a plus b minus sin a minus b. तो sin a plus b करने पे तो आ गया sin 5x और minus sin a minus b करोगे तो बेटा sin x आ गया. और इसमें भी बात करो आप पहले sin बाद में cos है तो प्लस यूज करना है बिटवीन, तो 2 sin a cos b का फॉर्मूला sin a plus b, तो कितना आ गया sin 3x into 3 प्लस 3 साइन 3x और प्लस 3 साइन a माइनस b, तो ये आ गया साइन ऑफ x.
चलो इसको एक बार लास्ट में लिख देते हैं, तो इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/8 माइनस साइन एक्स प्लस 3 साइन एक्स, तो ये तो मिल गया 2 साइन एक्स प्लस 3 साइन 3x प्लस साइन ऑफ 5, ये आपने लेफ्ट साइड को कंप्लीटली साइन की टर्म में क्या कर दी कन्वर्ट, और दिस पार्ट इक्वल टू गिवन है आपको सिग्मा दिस, तो सिग्मा को जब ओपन करोगे आप तो आरएचएस क्या आने वाला, देखो a1 साइन एक्स प्लस a2 साइन 2x, अभी लिख लेना आप टू सोन, तो सिंपल सी बात क्या है कि लेफ्ट पार्ट और इक्वल टू राइट पार्ट इज बिकम एन आइडेंटिटी, तो करस्पोंडिंग कोफिशियंट को अपन इक्वल कर सकते हैं और जो रिमेनिंग कोफिशियंट है वो क्या होने चाहिए, सारे जीरो। तो देखो इधर आओ भाई, सिंपल सी बात है कि लेफ्ट साइड में ओनली 3 टर्म प्रेजेंट है, साइन एक्स की, साइन 3x और साइन 5x की, और राइट साइड में सारे इवन और ऑड मल्टीपल प्रेजेंट है साइन के, और ये एक्स की ऑल वैल्यू को कब सेटिस्फाई करेगी आपकी, जो इवन कोफिशियंट है उनका कोफिशियंट तो क्या आना चाहिए, जीरो, मतलब a2 a4 a6 ये सारे तो क्या होंगे इसमें जीरो, तो इसमें लिख सकते हैं अपन इट इज पॉसिबल व्हेन a2 इक्वल टू a4 इक्वल टू 6, जितने भी इवन मल्टीपल हैं ये तो सारे रिलेट करने हैं आपको जीरो, और इनको कंपेयर करोगे तो देखो क्या आने वाला है, sin x को जब sin x से कंपेयर करोगे आपको तो a1 तो आ गया 2/8 1/4, तो इससे मिल गया a1 इक्वल टू 1/4, साइन थ्री एक्स की बात करोगे आप तो इसमें साइन थ्री एक्स का कोफिशिएंट क्या मिलेगा a3, और इधर मिल गया आपके पास 3/8, तो इससे आ गया बेटा a3 इक्वल टू 3/8, और a3 आने के बाद a5 की बात करोगे तो इससे a5 आ गया आपके पास 1/8, और उसके बाद जितने भी ऑड रिमेनिंग है वो सारे क्या होंगे जीरो, क्योंकि तो कंपेयर करने पे इसमें तो डज नॉट प्रेजेंट, तो सबको कैलकुलेट करना पड़ेगा जीरो, क्योंकि x की ऑल वैल्यूज को क्या कराना है सेटिस्फाई, तो रिमेनिंग जो आपके पास a7 a9 अप टू सोन ये सारे क्या मिलेंगे बोलो जीरो। तो अब देखते हैं इसके अकॉर्डिंग क्या चेक करना है अपन को, a3 a2 हां तो a2 0 a3 3/8 हो सकता है, तो ये भी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, n की वैल्यू कुछ भी हो नो प्रॉब्लम, n 6 है तो a1 आपका 1/2, a1 तो आपका 1/4 है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग होगा आपका, उसके बाद n की वैल्यू कुछ भी हो नो प्रॉब्लम, a1 1/4 ये भी ऑप्शन सही हो सकता है, फिर बोला गया सिग्मा am, सिग्मा am का मीनिंग है a1 प्लस a2 प्लस अप टू सोन, तो बस ओनली आपको इन थ्री वैल्यूज को ऐड करना है क्योंकि रिमेनिंग वैल्यूज तो आपकी क्या जीरो, तो 1/4 प्लस 3/8 प्लस 1/8, तो देखो इन तीनों को जब ऐड करोगे आप तो इसमें क्या होगा बोलो, 8 तो आ गया एलसीएम, लिख देते चलो 1/4 प्लस 3/8 प्लस 1/8, तो 8 जब एलसीएम लोगे आप तो न्यूमेरेटर में क्या मिलेगा 2 प्लस 3 5 और 1 6 आ गए, तो 6/8 का मीनिंग क्या लोगे 3/4, तो देखते हैं 3/4, तो हाँ इसका सिग्मा आ गया 3/4, तो इसका फर्स्ट थर्ड और फोर्थ ऑप्शन बेटा करेक्ट होगा, ठीक है चलो। ओके बच्चों, तो ये डिस्कशन था ट्रिग्नोमेट्री का, चलिए नेक्स्ट एपिसोड में फिर से मिलेंगे, टिल देन गुड बाय।